మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం ऑपरेट कर रहे हैं साथियों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भी इंडिया और फ्रांस के कॉमन व्यूज रहे हैं। शक्ति वरुण और गरुण सीरीज की एक्सरसाइजेज नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध हमारी आर्म्ड फोर्सेस के प्रयासों को भी दर्शाते हैं। पिछले साल यानी जुलाई 2019 में माउंटेड मॉरिशन एयरवेज 118 से दोनों देशों की एयर फोर्सेस का अभ्यास हमारे बढ़ते हुए कोऑपरेशन का एक शानदार उदाहरण है। साथियों डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। मझगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बिल्डिंग अंडर इंप्लीमेंटेशन है और इसमें से पहली सबमरीन INS कलवारी की 2017 में कमिश्निंग भी हो चुकी है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एग्रीमेंट हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट फोर्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाता है। मैं इस अवसर पर अपने साथी देश फ्रांस को इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए भी इन्वाइट करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव के आह्वान पर सरकार ने इस दिशा में कई प्रोग्रेसिव एवं पॉजिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। इस राह में अनेक ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ साथ इंटरनेशनल एंटिटीज को भी इंडियन डिफेंस सेक्टर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिफेंस रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑफसेट रिफॉर्म्स, इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मुझे विश्वास है कि फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री इसका लाभ उठाएंगी और फ्रांस इंडिजनाइजेशन की हमारी इस यात्रा में हमारा साथी बना रहेगा। स्कॉर्पियन और राफेल के एक्सपीरियंस निश्चित ही हमारी डिफेंस पार्टनरशिप को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गति प्रदान करेंगे। साथियों डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्य आधारों में से एक है। हमारी रिलेशनशिप ने कोऑपरेशन के एक नए आयाम हासिल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे देशों के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देश की इकोनॉमीज को परस्पर लाभ पहुंचाने के लिए भारत में एयरोस्पेस एवं MSMEs का एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाएगा। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है और आज भी है। इस राह में हमारा देश कोई भी ऐसा कदम न उठाने के लिए कमिटेड है जिससे कहीं भी शांति भंग हो। यही अपेक्षा हम अपने पड़ोसी और दुनिया के बाकी देशों से भी करते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा है, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों मैं आज यहां भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेशी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट्स तैनात किए वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है।
एक स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर के साथ एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म की तेजी से तैनाती एडवर्सरीज को किसी भी कार्रवाई करने से रोकेगी। साथियों, भारतीय वायुसेना डेटरेंस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपकी कार्रवाई किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। जहां एक ओर हमारी भौगोलिक सीमाओं पर कायम परिस्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है, हमें स्पॉन्सर टेररिज्म के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर की पृष्ठभूमि में उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, इम्बेडेड कॉग्निटिव सिस्टम्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कारण वॉरफेयर के नए क्षेत्र से भी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को हर प्रकार की चुनौतियों की सामना करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में निरंतर सुधार करना ही होगा। चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ कार्यों में आपकी भूमिका के लिए भी देश आपका आभारी है और आपकी भरपूर सराहना करता है। COVID-19 महामारी के दौरान देश की कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का योगदान भी अत्यंत प्रशंसनीय रहा है। आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पायलटों और क्रू ने मिशन लाइफलाइन उड़ान और ऑपरेशन संजीवनी में अपनी अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने नोडल सप्लाई बेस और समूचे भारत तथा विदेश के बीच एयर ब्रिजेस का भी काम किया है। साथियों, आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और बैलूच की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। हमारी चौकसी ही हमारी सुरक्षा का सबसे पहला उपाय है। हमारा देश और समाज आप लोगों की वजह से सुरक्षित और आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहा है। हमें उसे किसी भी कीमत पर बरकरार रखना ही है। अंत में मैं ऐतिहासिक 17 स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देना चाहूंगा। भारतीय पराक्रम के इतिहास में आपका नाम चमकीले अक्षरों में दर्ज है। राफेल का इंडक्शन गोल्डन एरोस को एक नई चमक देगा। आप सभी राफेल यानी तूफान की तरह गतिशील रहकर देश की अखंडता और अखंडता के साथ साथ संप्रभुता की भी रक्षा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी तरफ से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर मैडम मिनिस्टर का पुनः मैं अपनी तरफ से और भारतवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।